इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की सिक्योरिटी के मामलों पर रवां हफ्ते अहम इजलास तलब कर लिया है। इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेंगे। इजलास में हसास इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन से मुतालिक हिकमत अमली तैयार होगी। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे आतिफ भट्ट से। आतिफ भट्ट आगाह कीजिएगा। जी आइंदा आम इंतखाबात से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी के मामलों पर अहम इजलास तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन का इजलास रवां हफ्ते होगा। सिक्योरिटी पर इलेक्शन कमीशन जो है वो इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेंगे। इलेक्शन कमीशन इजलास में सिर्फ कमीशन हुकाम जो है वो शिरकत करेंगे। इजलास में नॉर्मल हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन से मुतल्लिक जो सिक्योरिटी है वो तैयार की जाएगी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर समेत मुतल्लिका हुकाम ब्रीफिंग देंगे। इलेक्शन कमीशन इजलास के बाद बैनल वजारती इजलास जो है वो बुलाया जाएगा। आम और आम पोलिंग स्टेशन पर पुलिस की कितनी नफरी तैनात करनी है। हसास पोलिंग स्टेशन पर पुलिस के नफरी के साथ रेंजर्स और एफसी की जो नफरी तैनात करनी है, और इसी तरह जो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर पुलिस की नफरी के साथ साथ जो पाक फौज की तैनाती है इस हवाले से मुकम्मल तौर पर हिकमत अमली बनाई जाएगी। जो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन होंगे वहाँ पर सीसीटीवी कैमराज के साथ साथ पाक फौज की तैनाती और पुलिस की जो तैनाती है वो उसको लाजमी बनाया जाएगा। और सिक्योरिटी कितनी रिक्वायर्ड होगी इन तमाम पोलिंग स्टेशन के हवाले से इसका मुकम्मल तौर पर तफसीलात से आगाह करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।